एवरीवन, मैं मयंक पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं। तो आज की जो क्लास है वो जीएसटी के जो टैक्स रेट हैं, एक सिंगल इनवाइस में हम अलग अलग टैक्स रेट दे करके बिलिंग कैसे करते हैं वो मैं आज इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने जीएसटी क्या है, जीएसटी की हिस्ट्री क्या है, जीएसटी के लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, जीएसटी वाउचर्स कैसे होता है, सेल्स इनवाइस हम कैसे बनाते हैं विद जीएसटी, वो सब आप पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। बिकॉज उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आगे की चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। आज की इस क्लास में मैं एक ही सिंगल वाउचर में अलग अलग टाइप के जीएसटी रेट्स दे करके हम बिलिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा इसमें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें तभी आपको कंप्लीट नॉलेज होगा। तथा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो और इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। वीडियोज अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोज को शेयर करना न भूलें, बिकॉज जितना ही शेयर करेंगे उतने लोगों को इससे लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल इनवाइस बट डिफरेंट जीएसटी रेट्स। तो हम देखते हैं इसमें, आप देख पा रहे हैं हम गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू पर हैं। इसमें हमने कुछ लेजर्स बना रखे हैं बिकॉज हम आपको एक बिल के अकॉर्डिंग बताएंगे। अब देखें ये एक बिल है आपके सामने, इस बिल को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें ये मित पांडे के नाम से बिल है, कंपनी है आपका वीके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कुछ प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं जिसमें सी जी एस टी और एस जी एस टी या यू टी जी एस टी। यू टी जी एस टी आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। इसमें किसी में 9% लगा हुआ है, किसी में 14% लगा हुआ है, 9% 14% सी जी एस टी और एस जी एस टी। कहने का मतलब 9% सी जी एस टी एस जी एस टी है, जिसे हम 18% आई जी एस टी कहेंगे। आई जी एस टी का ही 50-50% आपका सी जी एस टी एस जी एस टी होता है। 28% जहाँ है वहाँ सी जी एस टी 14% एंड एस जी एस टी 14%। तो ये बिल होगा, इसी बिल के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा आप लोगों को। इससे रिलेटेड हमने आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं और मैं इस बिल को आपको करके टैली में कैसे करते हैं वो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान देंगे। चलते हैं भाई करके टैली में और हम एक वाउचर क्रिएट करते हैं जिसमें हमने पहले से लेजर वगैरह क्रिएट कर रखा है। रेफरेंस नंबर हम चूंकि अमित के नाम से बिलिंग है तो हमने 01 कर दिया है, AM-01। F2 प्रेस करके डेट हम चेंज कर सकते हैं, मान लेते हैं ये 1 अक्टूबर की बिलिंग है, हमने यहाँ डेट चेंज कर लिया। यहाँ पार्टी नेम हमने अमित दे दिया। कोई भी पार्टी लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ मैं कंट्रोल एंटर करके आप देखिए पार्टी बनी हुई है, अमित कुमार सुखरौली पांडे जगदीशपुर बस्ती। इसमें कंप्लीट डिटेल इनका पड़ा हुआ है, ये हमारे सेंट्री डेटर हैं जिसे हम माल बेच रहे हैं। वीके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड अमित पांडे को माल बेच रहा है, जो कार एसेसरीज कार सर्विस के लिए अपने यहाँ की एसेसरीज खरीद रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए। तो उसमें आप देखें अमित पांडे सेल्स हो गया। यहाँ हमने आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं जो मैंने अभी आपको बिल दिखाया, एक बार मैं फिर से आपको बिल दिखाता हूँ। इस बिल से रिलेटेड हमने आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं, वही आइटम जो यहाँ पर शो कर रहा है वही आइटम्स हमने उसमें क्रिएट कर रखा है जिसकी बिलिंग हम करके आपको दिखाएंगे जो डिफरेंट जीएसटी रेट पर है। तो हम एक एक आइटम की एंट्री करते हैं इसमें। फर्स्ट है आपका एमजीओ, कुछ कर लेते हैं यहाँ पर, एमजीओ सेल करके है, ये आपके जेन्युइन पार्ट्स हैं इसका, मान लीजिए 3 पीस क्वांटिटी है इसका। इसका रेट है पर पीस 278 रुपये पर पीस रेट है आपका। नेक्स्ट आइटम है उस सेट है, हम यहाँ दे देते हैं 2 पीस है 98 रुपीस पर पीस के रेट से है। स्क्रीन वाश है, ये सारे लेजर्स हमने पहले से क्रिएट कर रखे हैं। अगर आप को बनाना है तो आपको ये सारे लेजर्स और आइटम्स क्रिएट करने होंगे, सेल्फ क्रिएट करना होगा आपको। यहाँ हम देते हैं, फिर हम स्पेस करते हैं, एमई दे देते हैं हम 515 के रेट से है ये, स्पेस करते हैं। कार एयर फिल्टर है 260 हमने दे दिया,
कूलेंट है 230 के रेट से है, शू सेट रेयर ब्रेक 960 का है पीस, और भी आइटम है तो आप उसको यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो हम एंटर करके आ जाते हैं। हम यहाँ पर CGST देते हैं, CGST कट के आ गया। आप देखें CGST को मैं यहाँ अल्टर करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जो लेजर्स बनते हैं CGST, आप देखें CGST का लेजर हमने बना रखा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स है। यहाँ हमने पिछली जो वीडियोस बनाई हुई हैं, लेजर्स जो क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पर परसेंटेज दिया था। जब हमको अलग अलग रेट देना हो एक ही सिंगल बाउचर में, तो हम यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में जीरो रखते हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ परसेंटेज शो करा देंगे तो CGST हम किसी एक इंडिविजुअल टैक्स रेट के लिए ही हम चुन पाएंगे, फिर हमें CGST के और लेजर्स क्रिएट करने होंगे। अगर हम यहाँ जीरो करते हैं तो CGST को हम आइटम वाइज अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जीरो रखते हैं। इसी तरीके से हमने SGST का लेजर क्रिएट कर रखा है, SGST। आप देखिए SGST को भी मैं अल्टर करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ जाते हैं, यहाँ SGST भी आप देखें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट GST, यहाँ भी मैंने जीरो कर रखा है। अगर हम 9% या 14% पे बना रहे हैं तो हमें यहाँ रेट देना है, जबकि हमने यहाँ रेट इसलिए नहीं दिया है कि ये CGST और SGST अगर हम रेट दे देते तो हम जैसे 14% है तो केवल सिंगल 14% के लिए इसको हम यूज़ कर पाते, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं दिया, जिससे हम CGST और SGST को 9% पर और 14% दोनों रेट्स पर हम इसे यूज़ कर पाएंगे। इससे हमें कम लेजर्स क्रिएट करना होगा, नहीं तो हमें कई सारे लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं, एंटर करते हैं, और एक बार आप देख लें PM-01 विल नंबर है, 1 अक्टूबर को माल सेल कर रहे हैं, अमित पांडे हमारी पार्टी हैं जो सेंडिडेटर हैं, सेल किया जा रहा है। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आप देखें MGO सेल 3 पीस है 278 के रेट से, उसका अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। बुश सेट है 2 पीस 98 के रेट से, स्क्रीन वॉश है आपका 2 पीस 15 रुपये के रेट से, ARMSE सस्पेंशन है आपका 2 पीस 515 के रेट से, केबिन एयर फिल्टर है आपका 1 पीस 260 रुपये के रेट से है, कूलेंट है आपका 2 पीस, इट मीन्स 2 लीटर का बॉटल है तो पीसेस मैंने इसमें दिया है तो 230 रुपये के रेट से, 460 रुपये। शू सेट रेयर ब्रेक का है 1 पीस 960 रुपये के रेट से। तो ये कुछ आइटम हैं, और भी एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं तो आप उसको दे सकते थे। इसमें जो आइटम है कुछ आपके 9% टैक्स रेट पर है और कुछ आपके 14% टैक्स रेट पर है, कहने का मतलब 14% CGST और 14% SGST, 9% CGST एंड 9% SGST, 18% और 28% के अंदर अंडर में है। आप देखें यहाँ पर हम एंटर करते हैं, यहाँ पर हम बिल रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ हम डेट कोई नहीं देते, अभी हमें पेमेंट करके दिखाना है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको हम पेजअप करके यहाँ दिखाते हैं बिल को प्रिंट करके, प्रिंट करने से पहले हम टैक्स एनालिसिस करके दिखाते हैं, चूंकि यहाँ पर कोई भी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो टैक्स एनालिसिस आ जाएगा, और यहीं अल्ट प्लस F1 करेंगे इसका डिटेल देखने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं MGO सेल के लिए 834 कंप्लीट अमाउंट है। अब सेंट्रल टैक्स देखें 9% 75.06, और स्टेट टैक्स 9% 75.06, टोटल अमाउंट हो गया 150.12। इसी तरीके से बुश सेट में है 99% पे लगा हुआ है, स्किन वास में आपका 99% टैक्स रेट लगा हुआ है, एमी सस्पेंशंस में आपका 14% आपका CGST और SGST लगा हुआ है। आप देखें 1030 पर आपका 14% CGST है और 14% SGST। इसी तरीके से केबिन एयर फिल्टर है जो आपका, उस पर आपका 14% CGST SGST लगा हुआ है। नीचे हम आएंगे, ये आपका देखें कूलेंट पर आपका 9% है, और ये शू सेट रेयर बैक में भी 14% करके है। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, आप देख पा रहे हैं जो आपका टोटल अमाउंट है टैक्स का 903 रुपये 60 पैसे है, वो उसका राउंड फिगर में देखा जाए तो 904 रुपये। हम बैक करके आ जाते हैं और यहाँ से हम बिल को प्रिंट करके दिखाते हैं आपको, अल्ट के साथ हम पी करते हैं, बिल प्रिंट होने के लिए आ जाएगा, एंटर करते हैं। आप देख पा रहे हैं बिल वाउचर आपके सामने आ गया है,
इसको हम कंट्रोल जेड करके जूम कर लेंगे। यहाँ कंपनी का कंप्लीट डिटेल दिखा रहा है, टैक्स इनवाइस आपके सामने आ गई, जबकि पिछली क्लास में हमने सेल्स इनवाइस क्रिएट करना आपको क्लियरली बताया हुआ था। तो आप देखें यहाँ पर कंपनी का पूरा डिटेल आ गया, इसके बाद जो हमारे बायर हैं जिन्हें हम माल सेल कर रहे हैं उनका कंप्लीट डिटेल आ गया। इधर आप देखें तो सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, एचएसएन कोड हमने नहीं डाला है। एचएसएन कोड प्रोडक्ट कोड होता है, जो हाउसिंग सिंक्रोनाइज नंबर होता है जिसे हम कहते हैं, क्वांटिटी रेट परसेंट और अमाउंट। जो आपका एचएसएन कोड होता है वो मिनिमम 4 डिजिट एंड मैक्सिमम 8 डिजिट का होता है, जो यहाँ आप डाल सकते हैं। मैं आप देखें CGST 452 रुपये और SGST 452 रुपये, जबकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स रेट लगे हुए हैं। नीचे आते हैं, टोटल अमाउंट हो गया 4674 रुपये, और यही अमाउंट को वर्ड्स में लिखा गया है। इधर आप देखें टैक्सेबल वैल्यू जो है 1520 पर आपका 9% रेट लगा हुआ है, 136 रुपये हुआ, 136 रुपये 86 पैसे, और यहाँ भी आपका 136 रुपये 86 पैसे। कहने का मतलब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स टोटल हो गया आपका 273 रुपये 72 पैसे, आपका 9% के रेट से। आप देखें टैक्सेबल वैल्यू है आपका 2250 रुपये, इस पर 14% के रेट से आप देखें तो 630 रुपये 28 पैसे आपका हुआ। तो टैक्सेबल अमाउंट आपका जो है 3770 रुपये है, टोटल सेंट्रल टैक्स आपका है 452 रुपये और टोटल स्टेट टैक्स आपका 452 रुपये, टोटल अमाउंट हुआ आपका 904 रुपये। ये आपका राउंड फिगर आपका 904 रुपये। तो आपने देखा ये कंप्लीट बिल जो हमने अभी बिलिंग करके बताया आपको, इस तरह से हम बिल को प्रिंट कर लेते हैं, बैक करके आते हैं, हमसे हमें पेमेंट रिसिप्ट करना है अमित से, तो यहाँ F6 प्रेस करते हैं और यहाँ हम अमित चुनते हैं, क्योंकि क्रेडिट देने में देने वाले को ही क्रेडिट किया जाता है। इनका टोटल अमाउंट है 4674 रुपये, एंटर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, अमाउंट को देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैश में हम डाल देंगे, DR में कैश व्यापार में आ रहा है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो आपका GST आया होगा, बैलेंस शीट में आप चले जाएंगे, आप देखें करेंट लाइबिलिटीज में 904 रुपये जो GST वो हमारा पेबल है, इसे हमें पे करना है, तो ये GST को हम पे कर सकते हैं। GST पे करना है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको सिंगल मोड में कर लेते हैं। वाउचर को सिंगल मोड में करने का मतलब यहाँ पर हम F12 प्रेस करेंगे और वाउचर को हम यहाँ से सिंगल मोड कर लेंगे, यस करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कैश प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ हम CGST 452 रुपये है आपका और SGST है आपका 452 रुपये। तो इस तरह से हम GST को पेमेंट भी कर सकते हैं। हम रिटर्न बैक करके आते हैं और यहाँ हम आपको बैलेंस शीट में जाते हैं और यहाँ से चेक करते हैं तो लाइबिलिटीज से कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा है, आपने टैक्स को पे कर दिया। तो इस तरह से आप नॉर्मली पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम एक सिंगल इनवाइस में हम डिफरेंट डिफरेंट GST रेट्स दे करके बिलिंग कैसे करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।